हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने आ रही हूँ मसाला फ्राई भिंडी। तो सोचा आप लोगों को रेसिपी शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ले ली है मैंने 500 ग्राम भिंडी और ये है बाल्टी में पानी। और लिया है मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। तो पहले सबसे पहले इन्हें कर लेती हूँ वॉश। तो यहाँ मैं बाल्टी में अच्छे से वॉश कर लूँगी दोनों को, भिंडी को और हरी मिर्च को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी भिंडी और हरी मिर्च वॉश हो गई हैं। इन्हें वॉश कर लिया है मैंने और अब निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ ले ली थी मैंने एक थाली, तो थाली में जो मतलब धुली हुई भिंडी है वो निकाल ली हूँ। तो और अब ले ली है दूसरी थाली, तो जो मतलब कट करूँगी वो एक थाली में रखती जाऊँगी साइड से। तो फ्रेंड्स, ये जो मिर्ची हैं तो मैं इन्हें बीच से कट कर ले रही हूँ डंठल वगैरह तोड़ के, क्योंकि अगर ऐसे ही फ्राई करेंगे ना तो चटकने का डर रहता है। और मैंने भिंडी को भी बीच से कट कर लिया है लंबाई में। तो यहाँ ले लिया है मैंने कढ़ाई में तेल और सरसों का तेल है। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं प्याज और लहसुन ये मसाले की चीज़ें तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया है हमारा तेल गरम। तो यहाँ हो गया है तेल गरम और अब कर लेते हैं भिंडी को फ्राई। तो भिंडी को एकदम मतलब तेज़ गैस पे फ्राई नहीं करेंगे, धीमी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई होंगी तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। और भी अभी तो सिर्फ लहसुन प्याज ही मैंने छील के तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने प्याज छीली हुई थी तो उसे कट कर ले रही हूँ। बारीक तो नहीं करूँगी, मतलब ऐसे पीस कर ले रही हूँ, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तो और यहाँ ले लिया मैंने अदरक, इसे भी छील के कट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ले लिए हैं मैंने खड़े धनिया यानी कि सूखा धनिया। और ये ले ली है 5-6 काली मिर्च। और ये हल्दी है, ये भी मैंने खड़ी ली है, क्योंकि जब मैं मसाला पीसती हूँ तो सब खड़े मसाले पीसती हूँ। और जब डेली मतलब सब्जी बनाती हूँ तो वैसे ही पीस लेती हूँ, सॉरी बिना पिसे हुए जो मतलब आते हैं तो वही ले लेती हूँ। और जब मैं मसाले वाली सब्जी बनाती हूँ तो ज़्यादातर खड़े ही मसाले यूज करती हूँ। तो मैं पीस लेती हूँ मसाला। तो मैंने ले लिया है सिलबट्टा और सिलबट्टे को धो लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मतलब मिक्सी से पीसते हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो सिलबट्टे से जो मतलब स्वाद आता है वो मिक्सी में नहीं आता है। और यहाँ मेरा मसाला पीस के तैयार हो गया है। तो अब मैं कर लेती हूँ इसे कटोरी में। और मसाला पीस के मैंने तैयार कर लिया है। और जब तक मसाला पीसा था तब तक मैंने ये भिंडी भी फ्राई कर ली थी, बीच बीच में देखती जा रही थी। तो ये मेरी यहाँ पे भिंडी भी फ्राई हो गई है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ इनको। और ये जब भिंडी मैं निकालूँगी तो इन्हें थोड़ा दबा दबा के निकालूँगी, क्योंकि इनमें जो ऑयल है वो रह जाएगा उसमें। और यहाँ ले लिया है मैंने ऑयल, थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक थोड़ा वेट करते हैं। और अब मैंने डाल दिया इसमें हींग और जीरा और इन्हें अच्छे से चटकने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाल दिया है मैंने मसाला जो अभी पीसा हुआ था वो। और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे खूब अच्छे से। और अगर मसाला कच्चा रह गया तो सारी सब्जी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले ना मसाले पे ध्यान देंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी सी ऐड की है बस लाल मिर्च, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब मैंने इसमें डाल ही दी थी पहले से। और अब नमक रह गया है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे मसाला भुनना है, तब तक मैं हरी धनिया की पत्ती वो निकाल ले रही हूँ, धनिया साफ कर ले रही हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ मेरे धनिया साफ़ हो गए हैं और मैंने इन्हें वॉश भी कर लिया है। अब मैं इसे छोटा छोटा कट कर ले रही हूँ। अभी भी मेरा मसाला फ्राई हो रहा है क्योंकि मैं मसाले को तेज़ आंच पर नहीं धीमी आंच पर पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी तो फ्रेंड्स अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पानी, और ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको मतलब पतली रखनी है तो पतली रखो, नहीं तो जैसी अपने मतलब आपको जैसी पसंद आए आप वैसा रख सकते हो। तो यहाँ मैं मीडियम रखूँगी, ना हमारी पतली होगी और ना ज़्यादा मतलब थिक रखूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक उबाल आ गया है तो मैं अब इसे निकाल देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा मतलब लग रहा है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ भिंडी जो हमने फ्राई की हुई थी, तो जिसमें मतलब इतना मैंने दबा के निकाला था फिर भी इसमें ऑयल रह गया है। तो जो ऑयल है मैं वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ क्योंकि फालतू में धुल ही जाएगा तो यूज ही हो जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। फ्रेंड्स अब मेरी भिंडी बनके तैयार है, बस थोड़ी सी और थोड़ी सी ग्रेवी और थिक करनी है मुझे। तो थोड़ा सा जब तक मैं नींबू वगैरह तैयार कर रही हूँ तब तक ये और मतलब बॉयल हो जाएगी, पक जाएगी। और यहाँ मैंने निचोड़ दिया है नींबू, एक नींबू लिया था मैंने, पूरा ही निचोड़ दिया है इसमें। ये बन गई है मेरी सब्जी। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मसाला फ्राई भिंडी। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो अब मैं निकाल लेती हूँ इसे दूसरे बर्तन में क्योंकि कढ़ाई लोहे की है तो फिर ख़राब हो जाएगी। और यहाँ बन गई है मेरी पूरी थाली तैयार, तो बस रोटी की कमी है तो मैं वो भी रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ लग गई है आप लोगों की थाली, आप लोग आइए और खाइए और बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ट्राई कर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय फ्रेंड्स।